ये पहली बार हो रहा है कि बहुत लंबे अंतराल के बाद ये पहली बार हो रहा है कि कोई शासक दल अहंकार में चूर होकर एक छोटे से सीमांत राज्य को धमका रहा है और राष्ट्रपति शासन लागू करने की निरंतर धमकी दे रहा है। मैं राज्य की जनता की ओर से, अपनी ओर से, यहां के प्रबुद्ध जनमानस की ओर से भाजपा की इस धमकी को निंदा करता हूं और इसको लोकतंत्र की हत्या का एक और प्रयास, उत्तराखंड में लोकतंत्र की हत्या का एक और प्रयास के रूप में देखता हूं। पहला प्रयास उन्होंने धन बल, सत्ता बल, बाहुबल के बूते पर सत्तारूढ़ दल में दल बदल करवा करके लिया, दल बदल करवा करके किया और अब लोकतंत्र की हत्या का इस छोटे से राज्य में ये दूसरा प्रयास है। और मैं राज्य के प्रबुद्ध जनमानस से और देश के भी, क्योंकि सारे देश में मैं समझता हूं मेरी बात आपके माध्यम से पहुंचेगी, और मैं अपील करना चाहता हूं राइट थिंकिंग लोगों से, सही दिशा में सोचने वाले लोगों से, जो निष्पक्ष वॉइस है देश की, उनसे कि भाजपा की इस धमकी की निंदा करें, इस धमकी की निंदा करें और इसको, ये संविधान की हत्या का भी प्रयास है, लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या और उत्तराखंड की जनभावनाओं की हत्या का प्रयास है। कल एक पूर्व मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से गवर्नर को हटाने की मांग की है, वो मांग पूरी तरीके से निंदनीय है। हमारे राज्य के अंदर इस तरीके का कुत्सित प्रयास, इस प्रकार का निंदनीय प्रयास किसी ने नहीं किया। ये दुस्साहस, ये दुस्साहस है और गलत है, स्वस्थ परंपराओं के विरुद्ध है। आप तर्कसंगत तरीके से किसी निष्कर्ष को, निर्णय को सही गलत बता सकते हैं, लेकिन आप यदि उसमें धमकी का समावेश करते हैं और विशेष तौर पर ऐसे समय में जब आप केंद्र में सत्तारूढ़ दल की गले में दलवैया डाल करके बैठे हुए हैं, तो आपकी धमकी बहुत अर्थपूर्ण हो जाती है।